पीएम मोदी और सीएम योगी भले ही वीआईपी कल्चर खत्म करने का अभियान चला रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर सत्ता का नशा सीट चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद बरेली हाईवे का है, जहां बीजेपी के एक विधायक और उनके समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपिटाई और गुंडागर्दी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीतापुर के बीजेपी विधायक महेंद्र यादव 17 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे अपने लाव लश्कर के साथ बरेली से आ रहे थे। टोल पर उनकी गाड़ी रोकी गई, लेकिन विधायक जी ने परिचय दिया तो उनकी गाड़ी पूरे सम्मान के साथ निकालने का इंतजाम भी हुआ। लेकिन इतनी देर भला विधायक जी को कहां बर्दाश्त थी। उनके कार्बाइनधारी सुरक्षाकर्मी ने खुद बैरियर हटाकर विधायक जी की गाड़ी का रास्ता साफ कर दिया। व्यवस्था में इस सेंधमारी पर टोल कर्मी दौड़कर आए और बैरियर गिरा दिया। तब तक विधायक जी तो अपनी गाड़ी के साथ आगे निकल गए, मगर उनके काफिले की दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ा। अब विधायक जी के गनर और टोल कर्मी में बहस शुरू हो गई। इस बात पर तो विधायक जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद गाड़ी से उतरकर बैरियर के पास पहुंचे और एक टोलकर्मी को तबाड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए, फिर खुद ही बैरियर भी हटा दिया। इसके बाद भी विधायक जी टोलकर्मी को बकसने के मूड में नहीं थे, लिहाजा उसे फिर थाम लिया और थप्पड़ लगाते हुए पीछे वाली गाड़ियों की ओर ले गए। हालांकि बेचारा टोलकर्मी औशान सिंह किसी तरह से अपनी जान बचाकर